सर बड़े तंग, बहुत ज्यादा तंग। जन पेट्रोल महंगा हो गया, मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं महंगा हुआ। कौन कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया? इमरान खान तो इतना सस्ता पेट्रोल ले रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं इमरान खान, तंदुरुस्त रहता है बॉस, महंगाई घटेगी। हैं असि देखो ना, अपने उत्ते ही कपड़े निचोड़ी जा रहे हैं। हैं घबरा गए आप? घबरा गए, वोट तो यही है इमरान खान को दिया, कोई तब्दीली आएगी? हाँ अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कसीम गुराया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। नाज़रीन आज हम आपको लेके आए लाहौर के एक पेट्रोल पंप पर। अवाम का क्या रद्द अमल है, पेट्रोल 11 रुपए महंगा कर दिया गया है। और आइए अवाम से जानते हैं कि 11 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया, अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, अवाम इससे खुश है या अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जान? ठीक है भाईजान, ये पेट्रोल महंगा हो गया इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बस ये वाम गरीब वाम मर रही है और बाकी पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। आगे 140 रुपए का भी सुनने में आया। बाकी हमारे वजीर आजम ने कहा था घबराना नहीं। हाँ नहीं, आप घबरा गए हैं कि नहीं? घबरा गए हैं। वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने नवाज शरीफ साहब को। इसका मतलब है फिर आपने तो फिर नवाज शरीफ को वोट दिया आपसे तो? जी अब इमरान खान की घुमा चल रही है, नवाज शरीफ ने काम भी किया, सड़कें भी बनाई हैं उसने और इस तरह ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना है इसके ऊपर आप? सर यही कहेंगे कि आप वज़ीर आज़म साहब के पास उन हाथों ला रखो, बस कर दो, बहुत हो गई है अभी क्रीम पे। क्या बस कर? बस ये यार अभी हर महीने में मतलब कि 10 रुपये बढ़ा दी हैं, हिस्ट्री में कभी इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ जितना अभी हो गया है। हम क्रीम पे बाइक चलाते हैं, पहले ये था कि मतलब कि क्रीम भी अभी अपने रेट नहीं बढ़ाए, ठीक है, ये पेट्रोल पे जो है ना पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारी जो इनकम में जो बहुत ज़्यादा मतलब कि लो हो गई है, ठीक है, वही राइड का रेट है और मतलब कि उतने का पेट्रोल लग जाता है, हमें बचते नहीं है कुछ, ठीक है, और वैसे भी पेट्रोल बड़ा महंगा है, कोई आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, तो लिहाजा बाकी ये है कि अगर आप पेट्रोल महंगा करते हैं तो गरीब की तनख्वाह भी तो बढ़ाए ना आप, एक ही साइड पे हाथ रखा हुआ कि पेट्रोल ही महंगा करी जाना है, पेट्रोल ही महंगा करी जाना है, इधर गरीब की तनख्वाह आप कह रहे हैं कि 17-18 में आ रही हो और वो कहाँ से अफोर्ड करेगा ये सारी चीज़ें, इसलिए कि ज़रिया साहब को ज़रा हाथ उला रखना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, क्या कहना है इसके ऊपर आप? बस देखें आपके सामने ही हालात क्या चल रहे हैं, क्या इसके ऊपर आपका कहना है? मैं तो कहूँगा कि इमरान खान साहब को उतर ही जाना चाहिए, मेहरबानी आपकी। पहले कहते थे बिल जी ये इतना बिल आएगा तो चोर वज़ीर आज़म है, तब देखें आपके सामने ही देखें कि पेट्रोल के बढ़ने से चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं। क्या हाल है आपके? यार ठीक ठाक। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहना है इसके ऊपर आप? गरीब का हाल ही कोई नहीं, गरीब मर गया ऐसे हालत में। घबरा गए आप? घबरा गए, गरीब रोटी पूरी करे या तेल पूरा करे की करे? वोट किसको दिया था? हाँ वोट तो यही है इमरान खान को दिया, कोई तब्दीली आएगी? हाँ हाथ मंगया ये कोई हाल ही नहीं है, बस फारिक हो गया गरीब, ये पाकिस्तान में रहना मुआब हो गया अब बस। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया क्यों? बस इमरान खान की मेहरबानी है। पेट्रोल कम डलता होगा बाइक? नहीं पेट्रोल तो उतना ही डल रहे नहीं, वो पैसे पहले आप 1000 रुपये डलवाते थे तो 1-2 लीटर ज़्यादा डल जाता था, अब कम है, कैसा फील होता है? मुश्किल हो गया सर, जो ना बहुत देर बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कर, गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। पेट्रोल महंगा हो गया है? बहुत सर, अच्छा काम कर रहे हैं इमरान खान, पेट्रोल महंगा करके सब। घबराए नहीं आप? मैं क्यों घबराना, पैदल टुटना शुरू करना ही लाला जी, सानू पुराना वक्त याद करा रहा है, जो साइकिलां नहीं सी उदो वाम पैदल टुरती ही, वाम तो साइकिलां दे साइकिलां तो मोटरसाइकिलां दे तो दोबारा फिर 1965 च भेजदा पिया, इन्हें ना अच्छी तो नून लीग सी, एक जगह से टिकी तो हुई सी। पैदल चलने से साइकिल चलाने से बंदा तंदुरुस्त रहता, तंदुरुस्त रहता बॉस, महंगाई घटेगी। हैं असि वेखो ना, अपने उत्ते ही कपड़े निचोड़ी जा रहे हैं। हैं क्यों निचोड़ निचोड़ रहे हैं? उनका गुस्सा इधर तो कट रहे हैं, हूँ की करिए, वो नजर आवे तो कट लीए। वज़ीर आज़म को भी ऐसे निचोड़ना चाहते देंगे सर जी, है वेखो ना भी तो आपके कहने का मतलब वाम इस तरह नुचड़ रही। हाँ जी अवाम वाम का खून पसीना नुचड़ रहा है बॉस, कपड़ा नहीं नुचड़ रहा, अवाम नुचड़ रही है।
कपड़े की शक्ल वाम नु चढ़ रही है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। 11 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी हो गया। क्या आप घबरा गए? घबराना क्यों है, मगर जो है कि जो बंदा है वो ठीक नहीं है। कौन बंदा? इमरान खान और कौन? इससे तो वो ही बेहतर थे। फिर ये महीने में 2-3 दफा पेट्रोल बढ़ा रहा है, अब 10 रुपए कट्ठे ही बढ़ा दिए बंदा। एक दो काम करते हैं, रुपया 1.5 रुपया बढ़ाता है तो 10 रुपए। बाइक में 500 का पेट्रोल डलवाते तो कम डलता है? कम डलेगा ही ना, वो तो एवरेज उसकी कम डलेगी। पेट्रोल पंप वाले कौन से सही हैं? वो भी गलत है, वो भी कम ही बीच में से नाप तोल करके कम ही डालते हैं ना। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये मकसद है कि इमरान खान उसके 2 लाख में गुजारा नहीं है, उसका 2 लाख में वो कहता है जी मेरा गुजारा नहीं है। तो हम गरीबों का कौन सा गुजारा है? ये महीने में 2-3 दफा बढ़ाता है, या तो सैलरियाँ भी उसी हिसाब से बढ़ाए। हर चीज़ बढ़ती जा रही है, पहले साल बाद महंगाई होती थी, चलो ये बजट आया तो महंगाई होगी, तो पूरा हर दिन नई चीज़ ले। वो हर चीज़ आटा गायब हो गया, बंदा किधर जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। घबरा गए हैं भाईजान? नहीं घबराना क्यों है, घबराने पेट्रोल से घबरा गए हैं यार, और तो किसी चीज़ से नहीं घबराए। हमारे वजीर आजम ने कहा था घबराना नहीं। भाई हम बिल्कुल घबरा गए हैं और बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, इससे ज़्यादा घबरा गए तो बहुत बदवाएँ निकलेंगी इनके लिए, सीरियसली ब्रदर। तो पेट्रोल जब डलवाते हैं तो पहले पेट्रोल ज़्यादा डलता था, अब कम डलता है, तो दिल को क्या? 40 लाख की गाड़ी में यार 1300 का जो बंदा पेट्रोल डलवा रहा होगा, सोचो कितना डिस्टर्ब होगा। यार 40 लाख की गाड़ी है, आपको क्या मसला, आप तो पेट्रोल महंगा भी हो। इनकम्स भी तो देखनी होती है, इनकम कौन सी रह गई है, इन्होंने इनकम्स भी नहीं छोड़ी। तो गरीब आदमी मारा गया ना जिनके पास चिंची रक्षा है, बाइक्स है सब भी यार, वन टू ऑल। सिर्फ जो एलीट क्लास है वो और एलीट पे चली गई है, जो बाकी रह गए हैं सब फारिग हो चुके हुए हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं बचा, चोर ज्यादा अजीज थे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया? मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं महंगा हुआ। कौन कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया? इमरान खान तो इतना सस्ता पेट्रोल ले रहा है, ठीक है, और बाद में सस्ता ही मतलब बेच रहे हैं, मतलब पंप पे हम जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमें तो नहीं मतलब फील होता, ठीक है ना, जो उसके खिलाफ है वो जाए, बट हम तो नहीं उसके खिलाने दे। भाई जान आवाम की चीखें निकल गई, मसला नहीं निकलने दे, हमारी तो नहीं ना निकल रही, हम भी तो आवाम नहीं, हम भी आवाम के साथ ही, हम भी अपना कमा के खाते हैं, हम भी 15,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं उसी में मैनेज कर रहे हैं। कौन कहता है जिसकी 50,000 सैलरी है उसका मैनेज नहीं हो रहा? होता है, सबका होता है, जिसकी 1,00,000 रुपये सैलरी उसका भी मैनेज होता है, जिसकी 10,000 सैलरी उसका भी मैनेज हो रहा है। मतलब आप कप्तान के साथ हैं? मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, हमेशा, अगले ये 5 साल उसके जब खत्म हो जाएंगे, आने वाले 5 साल तक भी उसके साथ रहूंगा, आखिर तक उसके साथ चलूंगा, जब तक उसकी जिंदगी है ना तब तक उसके साथ चलूंगा, आप टेंशन ना लें, मैं उसको वोट देता रहूंगा। लीडर ने जो कहा था देता रहूंगा, मैं आवाम को ये कहता हूँ उसको नेक्स्ट फिर से सीट उसको दिलवाएं और पेट्रोल सस्ता होगा, बेफिक्र है, आप टेंशन ना लें। उसने अगर बोला ना आप लोगों को कि ये नया हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए, इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं बन जाता, टाइम लगता है एक चीज़ बनने में, ये कोई वो नहीं है कोई मतलब ये आर्टिकल ये यहाँ पे वो नहीं होते ऐसे लोग के मतलब जो कि मतलब वो जो होते हैं कि बड़ी जल्दी से बना देते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ पे टाइम लगता है, ठीक है ना। जो पिछले थे मतलब जितने भी आए हैं मतलब वज़ीर आज़म, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी तो यही कहना पहले अपना पल अपने पेट को देखते थे फिर लोगों को, मतलब लोग तो शुरू से मेहनत करके कमा रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। कौन कहता है, वो बेवकूफ़ है जो कहता है इमरान खान ये है वो है। आम में इतना गमा गुस्सा क्यों पाया गया? वो इमाम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो देखें वो उनकी अपनी मर्जी है, वो कह सकते हैं, ठीक है ना, बट मैं आवाम को ये मैसेज दूंगा कि वो ऐसा बंदा नहीं है, वो बहुत ग्रेट बंदा है, ठीक है ना, उसको मज़ीद आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, तो कुछ नहीं होता। अगर महंगाई है ना तो उसने देखें ये भी सैलरियों में भी इंक्लाउड किया है, बढ़ाई हैं सैलरी हैं, ठीक है ना, मेरी लास्ट ईयर 10,000 थी, अभी मुझे 20,000 सैलरी मिल रही है, पेट्रोल 140 हो गया तो क्या हो गया, सैलरी में भी तो देखें ना कितना मतलब चेंजिंग आई है, डबल हो गई है, ये मैं कह सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। बहरहाल आप बहुत अच्छे भाई लग रहे हैं इस टाइम, आप गौर रंधावा की तरह लग रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे मतलब वो याद आ गया, वो सिंगर है इंडियन, बड़ा अच्छा है पंजाबी सिंगर गौर रंधावा। थैंक यू मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कितने का पेट्रोल डलवाने? 1500। तो पेट्रोल तो महंगा हो गया, सारा डीजल है, डीजल है, डीजल भी महंगा हो गया, 135 रुपये लीटर, पेट्रोल भी 135 सर, पेट्रोल भी 135 है और डीजल भी 135 है, तो अब डीजल भी महंगा हो गया है, इस पे क्या कहना है आपका? सर बड़े तंग, बहुत ज्यादा तंग। वोट किसको दिया था आपने? वोट तो इमरान खान को दिया था। पेट्रोल भी उसी ने महंगा किया जी सर। अब देंगे आप पीटीआई को वोट? पीटीआई का अभी नहीं देंगे।
किसी ने भी नहीं दिया वोट, किसी को भी नहीं देना, देना आज किसी को भी नहीं देना। फिर आप किसी को भी वोट नहीं देंगे तो फिर कोई भी मुंतखब नहीं होगा। नवाज शरीफ नून लीग को दागे, नून लीग को लादमी दागे, ऐसे को नहीं दागे, इमरान खान को नहीं दागे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई। पेट्रोल महंगा हो गया जी भाई, क्या कहना है इसके ऊपर आपका? भाई पेट्रोल महंगा हो गया, इसको कुछ सोचना चाहिए, गरीब लोग का क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। घबरा गए? जी जी, घबराना चाहिए इस हुकूमत के लिए होते हुए। हमारे लीडर ने कहा था घबराना नहीं, पहले हम घबरा रहे हैं, ये लीडर आ गया, इसे कुछ कह नहीं सकते, इसे लाया गया, ये खुद नहीं आया। कौन लेके आया उस? आप आवाम ही तो लेके आई। मैंने वोट ही नहीं डाला था, किसी को भी नहीं वोट डाला, नहीं डाला क्योंकि हमें पता था हमने डाला। फिर आप तो मुल्क के शहर ही नहीं है भाई, डालना होता तो जाना इमरान खान को ही था, नहीं डाला फिर भी इमरान खान को ही गया, इसीलिए ना डाल के जो है ना अच्छा किया। कल को ये नहीं कह सकते कि भाई हमने उसे डाला था तो अफसोस हुआ है। अब ये तो दिल को तसल्ली देते हैं ना कि हमने किसी को नहीं डाला, अगर इमरान खान को डालते या नवाज शरीफ को डालते कल को हम ये कह सकते थे कि भाई हमने उसे डाला वो नहीं आया, इसीलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया जी? महंगा हो गया। क्या कहना है इसके ऊपर आप? इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते थे, हमें कुछ कहना नहीं आता। घबरा गए हैं लीडर ने कहा था घबराना, लीडर ने कहा घबराना नहीं, हम घबरा गए हैं। घबरा के इंटरव्यू नहीं देना, कौन सी चीज़ें महंगी को सस्ती करवाएंगे, पहले पेट्रोल है फिर घी है और चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो जाहिर है घबरा के जो भी हो जाएंगे और क्या करेंगे, हुकूमत से अपील तो कर ही नहीं सकते, ये तो हुकूमत की मर्जी है। वोट किसको दिया था आपने? आप नेक्स्ट टाइम देंगे वोट? तो देंगे जी वोट, पीटीआई को ही देना है आपने? पूरी नहीं, पीटीआई किसी ना किसी को देंगे, देखेंगे आगे कौन आता है, ये नहीं हो सकता कि पीटीआई को दें, देखेंगे किसको देते हैं, क्या रखेगा उसको देंगे, किसी पार्टी को नहीं कह सकते किसको देंगे। पीटीआई को नहीं देंगे आप वोट? नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ जी सर। क्या कहना है इसके ऊपर आप? सर क्या कह सकते हैं, हमने वोट दिया था कि अपनी भलाई के लिए, और उल्टा ये हमें ये गरीब का खून चोर रहा है, अब आपके सामने ही आके पेट्रोल 138 पर लीटर हो गया। वोट किसको दिया था? मैंने तो नवाज शरीफ को वोट दिया था, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आ गया, समझ नहीं आ रही। मतलब ज्यादा लोगों ने फिर इमरान खान को वोट दिया इसलिए वो आ गया? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो ये सिलेक्टेड लग रहा है जिस तरह ये वाम के साथ कर रहा है, अगर ये वोट के बलबूते पे आया होता तो इस तरह ना करता वाम के साथ। शुक्रिया। बताएं कि पेट्रोल पंप पे कोई रश नहीं है, क्या वजह इसकी? जी पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से रश नहीं, आवाम रात को आई थी अपना फ्यूल डलवा रही थी, काफी रश था इसकी वजह से अब आवाम आ ही नहीं रही। मतलब है आवाम को पहले ही पता था कि पेट्रोल महंगा होना है, उन्होंने पेट्रोल डलवा लिया है, अब पेट्रोल पंप पे रश नहीं है, नहीं तो इस पेट्रोल पंप पे तो काफी रश होता है। हाँ रात को टैंकियां वगैरह ये काफी फुल हो रही थी और आवाम जोरों से रश था यहाँ, तो अब आवाम नजर नहीं आ रही, फुल करवा लिया उन्होंने बस। नाजरीन फिर अच्छी सी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अभी हमें इजाजत है, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।